हाय दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल बालाजी कंप्यूटर टेक में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कंप्यूटर रीस्टोर किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए किसी प्रोग्राम की वजह से या किसी ड्राइवर की वजह से या किसी फाइल मिस की वजह से आपका कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको रीस्टोर कैसे करेंगे। या फिर आपकी कोई फाइल वर्क नहीं कर रही है और वो दो दिन पहले वर्क कर रही थी, तो उसको वापस रिस्टोर कैसे करेंगे कि दो दिन की पहले की सेटिंग कंप्यूटर में आ जाए और वो रिस्टोर वैसे ही हो जाए और वो चलना शुरू हो जाए। या फिर कंप्यूटर का रिस्टोर पॉइंट कैसे बनाएंगे कि कभी अभी मेरा कंप्यूटर बिल्कुल ओके चल रहा है और किस तरीके से वो काम करेगा फ्यूचर में, उसे रिस्टोर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, जो कंप्यूटर ऑप्शन होता है इस पर प्रॉपर्टी पर आएंगे, आगे या चेंज सेटिंग पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, सिस्टम रिस्टोर की सेटिंग अगर हम सेव कर देते हैं ना, रिस्टोर पॉइंट बना देते हैं, तो कभी विंडो की प्रॉब्लम वगैरह कुछ आएगी तो वो चलने शुरू हो जाएगी। और नए तरीके से कैसे रिस्टोर पॉइंट बनाएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इस पर क्लिक करने के बाद देखो सिस्टम प्रॉपर्टी खुल गया ना। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, एडवांस, सिस्टम प्रोटेक्शन और रिमोट। आपको सिस्टम प्रोटेक्शन पे जाना है और सिस्टम रिस्टोर से तो रिस्टोर होगा और आपको क्रिएट करना है, ठीक है, रिस्टोर पॉइंट बनाना है, तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक किया या नाम डाल दीजिए या आज की तारीख डाल दीजिए या मैं HH डाल देता हूँ क्रिएट, तो क्रिएट रिस्टोर पॉइंट हो रहा है। कंप्यूटर को रिस्टोर करने के लिए एक ऐसा पॉइंट बना रहा है कि अभी आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा है, तो कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो अभी रिस्टोर पॉइंट से सेलेक्ट करके उसको देखो ये क्या लिखा आ रहा है, रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। क्लोज पे क्लिक करेंगे, अब आप वो देखेंगे वो पॉइंट है कहाँ पर। मान लीजिए ये तो रिस्टोर पॉइंट बना दिया हमने, हमें वो पॉइंट सिस्टम को रिस्टोर करना है, कोई ड्राइवर का एरर आ रहा है कंप्यूटर में, कोई फाइल हमारी नहीं चल रही है, तो उसके लिए हम सिस्टम रिस्टोर कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, कंप्यूटर पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे आएंगे चेंज सेटिंग पे, ये ऊपर सिस्टम प्रोटेक्शन पे, यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर पे आएंगे, रिस्टोर पे आएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, सिस्टम रिस्टोर सिस्टम फाइल एंड सेटिंग, कंप्यूटर की फाइल्स और सेटिंग्स को रिस्टोर करना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए हमने आज की तारीख में 11/4/2022 इतने बजे HH नाम से रिस्टोर पॉइंट बनाया था, तो ये रिस्टोर पॉइंट बन चुका है, ठीक है। कोई फाइल की प्रॉब्लम आएगी तो हम फ्यूचर में इसी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर से सी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो सिस्टम रिस्टोर कैन नॉट बी अंडन अनटिल इट हैज़ कंप्लीट, ठीक है। तो यस कर दूंगा तो सिस्टम रिस्टोर करना शुरू कर देगा, लेकिन मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है नहीं तो मुझे तो करना है नहीं। लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का तरीका बताया कि किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से सिस्टम रिस्टोर करते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपके आ रही होगी तो कंप्यूटर को रिस्टोर ऐसे करके यस कर देंगे तो 10 मिनट का प्रोसेस चलेगा कुछ, ठीक है, और प्रोसेस चलेगा उसके बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद सेम वही सेटिंग आ जाएगी जो हमने रिस्टोर पॉइंट बनाते समय कंप्यूटर की सेटिंग थी, जो ओके चल रहा था वैसे ही चलेगा। ये तरीका था सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का, मैं स्टेप जल्दी जल्दी एक बार और बता देता हूँ। माई कंप्यूटर, कंप्यूटर राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, ये सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग पे क्लिक किया ये खुल गया, या सिस्टम प्रोटेक्शन, विंडो 7 हो, विंडो XP हो, कोई भी विंडो हो, तरीका यही है। या फिर कुछ सिस्टम विंडो 10 में यहाँ पे रन पे जाके लिख देंगे सिस्टम रिस्टोर, यहाँ पे जाके लिख देंगे सिस्टम रिस्टोर तो भी आ जाता है, ठीक है। ये तरीका था सिस्टम रिस्टोर का, और ये आप वीडियो देखिए, कभी कंप्यूटर में आपको ज़रूरत पड़ती है तो सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।